सत श्री अकाल, हरजीत की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ ऑयल फ्री ब्लैक पेपर चिकन। अगर आप डाइट पर हैं या फिर आप ऑयल फ्री नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो फिर आप इस रेसिपी को ज़रूर देखना। ये फुल ऑफ प्रोटीन है और इसमें बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं हुआ है। तो फिर देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। ऑयल फ्री चिकन बनाने के लिए ये मैंने लिए हैं 1/2 kg चिकन विंग्स। तो चिकन आप कोई भी ले सकते हो, चाहे तो आप फुल चिकन ले लेना या चिकन ब्रेस्ट ले लेना या फिर आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हो। तो आप अपनी पसंद से कोई भी चीज़ ले सकते हो। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके लिया हुआ है, तो इनको कर लेते हैं अब मैरिनेट। इसके लिए ये मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें चिकन विंग्स डाल देंगे और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो ये मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भरकर। अब इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा लेमन जेस्ट। नींबू के छिलके को हटाकर मैंने छोटा छोटा काट कर लिया है। इसको डालने से बहुत अच्छा टेस्ट तो आएगा ही, साथ में ये फायदेमंद भी बहुत होता है। इसमें होता है विटामिन सी, तो इसको आप हो सके तो डाल लेना, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें मैं मिला रही हूँ दही। तो दही मैंने थोड़ी सी थिक ली है, बिल्कुल पानी पानी नहीं लेनी, थोड़ी थिक लेनी है। और दही को आपने फेंट कर लेना, अच्छी तरह से फेंट लेना। और ये मैं डाल रही हूँ सिर्फ 2 चम्मच, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ 2 चम्मच डाल रही हूँ। इसको डालने से क्या होगा कि चिकन बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब इसमें मैं मिला रही हूँ प्याज। तो एक मैंने छोटे साइज़ के प्याज को देखिए पतला और लंबा काट कर ले लिया है, इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले डाल लेंगे नमक, तो नमक अपने स्वाद के अनुसार आप डाल लेना। अब इसमें मैं मिला रही हूँ काली मिर्च 1/2 teaspoon, अभी 1/2 teaspoon ही डाल रही हूँ, बाद में और भी डालेंगे। तो ये काली मिर्च चिकन है इसलिए इसमें मेनली तो काली मिर्च ही जाएगी। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब गर्म मसाला। वैसे अगर आप डालना चाहें तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हो, तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 नींबू का रस, इसे आप चाहे तो और ज़्यादा भी डाल सकते हो, चाहे तो 1 नींबू का रस भी डाल सकते हो। तो अब इसको कर लेते हैं मिक्स। तो इस तरह से जब हम चिकन बनाते हैं तो ये ऑयल फ्री चिकन भी इतना टेस्टी बन जाता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये ऑयल फ्री है। अगर आप डाइट पर हैं या फिर आप हेल्दी खाना चाह रहे हैं, ऑयली नहीं खाना चाह रहे हो, तो भी अगर वो टेस्टी नहीं होगा तो आपसे खाया नहीं जाएगा। इसलिए थोड़ी सी दही मिलाकर अगर आप इसे बनाएंगे ना तो वो इतना टेस्टी बनेगा कि आप इसे फिर बार बार ही बनाएंगे। तो अब ये देखें हो गया है मैरिनेट, तो इसे अभी कवर करके रखना है। तो इसे हम 15 मिनट के लिए रख रहे हैं। इसे आपको ज़्यादा देर तक मैरिनेट करके नहीं रखना पड़ता है, सिर्फ 15 मिनट में भी बना सकते हो। और ज़्यादा देर अगर आप करना चाहते हो मैरिनेट तो कर सकते हो, तो उससे और भी अच्छा बनेगा। अब चिकन को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं, तो अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है, सारे मसाले वगैरह इसमें एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली है नॉनस्टिक कढ़ाई। तो अगर आप नॉनस्टिक कढ़ाई या पैन लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसमें ये नीचे चिपकने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि इसमें हम ऑयल वगैरह नहीं यूज़ कर रहे। तो अब कढ़ाई हो गई है गर्म, तो इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 3 लौंग और साथ में मैं डाल रही हूँ 4 से 5 काली मिर्च साबुत। हमने इसमें ऑयल नहीं डाला है, पर फिर भी लौंग और काली मिर्च अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगी। कोई ऐसा नहीं है कि ऑयल नहीं डाला है तो कोई भी चीज़ नहीं अच्छी बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लौंग को जब हम रोस्ट करते हैं तो उसका फ्लेवर वगैरह और भी अच्छा आता है। अब ये लौंग और काली मिर्च रोस्ट हो चुकी हैं, तो इस समय मैं इसमें मिला रही हूँ लहसुन। तो ये 2 चम्मच के करीब होगा, बिल्कुल बारीक काट कर लिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ा सा अदरक, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट कर लिया है। चाहे तो आप इनको काट कर ले लेना या फिर ग्रेटर की छोटी वाली साइड से ग्रेट करके ले लेना। तो इनको भी थोड़ा सा सौते कर लेंगे जिससे कि इनमें कच्चा टेस्ट और फ्लेवर ना रह जाए। अब इसमें मिलाएंगे हम चिकन जिसको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। अब चिकन को हम थोड़ी देर ऐसे ही भूनेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, जिस बॉल में हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसी में मैंने पानी डाल कर लिया है, थोड़ा सा ही डाल देंगे। चिकन को अभी हम ऐसे ही भूनते रहेंगे।
अब ये देखें, एक मिनट ही हुआ है, चिकन ने थोड़ा सा पानी भी छोड़ा है और साथ में दही से भी पानी रिलीज़ हुआ है। तो इस तरह से क्या है कि दही भी अपना पानी रिलीज़ करती है और चिकन भी। इससे जब हम चिकन को गलाएंगे तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए, 2-3 मिनट हुए हैं और चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, हल्का सा वाइट हो गया है। ऑयल फ्री चिकन की और भी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं, अगर आप देखना चाहें तो उनका लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगी, आप उनको भी देख सकते हो। अब चिकन को भूनते हुए करीब 4-5 मिनट हो गए हैं, तो अब गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया लो और इसे कवर कर देंगे जिससे कि ये गल सके। तो इसको गलने में 15 मिनट तो लगेंगे ही, तो अभी मैं 10-12 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ और बीच में से एक आध बार चेक भी कर लेंगे। तब तक हम बना लेते हैं स्लरी। तो ये मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो 2 चम्मच भरकर डाल लेंगे कॉर्नफ्लावर की, और इसको अभी हमने घोलना है तो थोड़ा सा पानी पहले डालेंगे। अगर एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो ये देखें, मैंने घोल लिया है, तो अभी और पानी डाल देते हैं। करीब आधा कप पानी इसमें डालकर इसका घोल बनाकर अभी एक साइड में रख देते हैं। अब 12 मिनट के करीब हो गए हैं, तो चिकन को देख लेते हैं। बीच में मैंने एक बार चेक किया था, तब ये नहीं गला था, थोड़ी सी कसर थी। तो अब ये देख लेते हैं इसको। ये देखिए आप, इसमें अभी भी पानी है, थोड़ी ग्रेवी है। तो अब एक पीस चेक करना है तो एक ले लेते हैं नाइफ और उससे चेक करते हैं। ये देखिए आप, चिकन गल गया है, बस 19-20 की कसर है, 2-3 मिनट और पकाना पड़ेगा। तो ये चिकन विंग्स थे इसलिए जल्दी गल गए हैं, अगर आप चिकन ब्रेस्ट लेंगे तो उसको गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपने उस हिसाब से उसको गलाना है। अब आप देखें, चिकन में थोड़ी सी ग्रेवी है, थोड़ा सा पानी है। अगर आप इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डालना चाहते, जो हमने स्लरी बनाकर रखी है, कई लोग नहीं यूज़ करना चाहते हैं, डालना पसंद नहीं करते हैं, तब फिर आप क्या करें, ऐसे में ही चिकन को गला लें और ऊपर से थोड़ा सा धनिया वगैरह डाल लें, ऐसे ही ये बहुत टेस्टी बन जाता है, तो ऐसे भी खा सकते हो। पर मैं इसमें स्लरी ज़रूर डालूंगी क्योंकि उसको डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्च। तो ये मैं काट कर नहीं डाल रही हूँ, साबुती डाल रही हूँ। अगर आप हरी मिर्च नहीं डालना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, या फिर काट कर भी डाल सकते हो। तो अब इसको भूनते हुए 1 मिनट हो गया है, तो चिकन पूरी तरह से अब गल चुका है। तो इस समय मैं इसमें मिला रही हूँ स्लरी, जो हमने कॉर्नफ्लावर घोल कर रखा है। डालने से पहले एक बार आपने मिक्स ज़रूर करना है, नहीं तो ये जम सा जाता है नीचे। तो अब इसको मैंने डाल लिया। इसको डालने से हमारा चिकन और भी टेस्टी बनेगा, क्योंकि इसको डालने से मसाले जो हैं एकदम से चिपक जाते हैं चिकन पीसेस के ऊपर, और एक थिकनेस आ जाती है, साथ में ही शाइन सी भी आ जाती है, टेस्ट तो इसका अमेजिंग हो ही जाता है। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आपको 1 मिनट इसको पकाना है, जिससे कि कॉर्नफ्लावर भी अच्छी तरह से पक जाए, कच्चा ना रह जाए। अब ये चिकन बिल्कुल तैयार हो गया है। तो देखिए आप, इसमें हल्की ग्रेवी है, तो एज ए स्नैक्स ये तैयार हुआ है। अगर आपने इसे रोटी के साथ खाना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला बना सकते हो। तो अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है, तो लास्ट में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और आधे नींबू का रस। तो नींबू का रस आप अपने स्वाद के अनुसार डालना। इस पर डाल दिया मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और इसे कर लेंगे अब सर्व। अब इसको मैंने सर्व कर लिया है, ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और जिंजर जूलियन डाल देंगे, और नींबू की एक स्लाइस भी मैं रख रही हूँ। इसे देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो अगर आप डाइट पर हैं और ऑयल फ्री खाना चाहते हैं और आपको प्रोटीन वाली डाइट के लिए बोला गया है, तो फिर आप इसे ज़रूर बनाना। चाहे ये ऑयल फ्री है पर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये ऑयल फ्री चिकन भी इतना टेस्टी बन सकता है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाना और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी आई हो पसंद, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।